हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। दोस्तों, आज जो रेसिपी है वो है पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी आपने बहुत बार सब्जी बनाकर खाई होगी, पर इस तरह की रेसिपी शायद ही आपने पहले कहीं देखी होगी। बहुत ही डिफरेंट टाइप के मसालों के साथ, साथ ही घर पर मिलने वाले मसालों के साथ मैं ये रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये रेसिपी वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों, पत्ता गोभी की सब्जी को बनाने के लिए मैंने जो है पत्ता गोभी ली है, दो बहुत ही छोटे साइज की पत्ता गोभी ली है, यानी कि लगभग 400 ग्राम पत्ता गोभी मैंने ली है। पत्ता गोभी को हम क्या करेंगे, पहले जो है चॉप कर लेते हैं। तो पत्ता गोभी को जो ऊपर के पत्ते हों पीले वाले, उनको आप निकाल कर अलग कर लीजिए। मैंने पत्ता गोभी को ऊपर से धुल लिया है, उसके बाद से पत्ता गोभी को हम पहले चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद भी आप चाहे तो इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि पत्ता गोभी की जब आप चॉपिंग करें तो बहुत ही बारीक नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्ता गोभी को मैं कैसे चॉप कर रही हूँ, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस, यानी कि बड़े बड़े लच्छे इसके निकलने चाहिए। तो जो बड़े बड़े लच्छे होते हैं उनसे बनी हुई जो पत्ता गोभी की सब्जी होती है दोस्तों, वो देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी मैंने पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी से छान कर रख दिया है। अब हम तैयार करेंगे अपना एकदम बढ़िया शानदार सा मसाला। तो उसके लिए हमें एक छोटे से इमाम दस्ते की जरूरत होगी। आप ये काम वैसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर इस खलबट्टे में बहुत ही बढ़िया से मसाला तैयार होगा। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून भर के सूखी धनिया के बीज। धनिया के बीजों को हम थोड़ा सा कूट लेते हैं, यानी कि इसको हम दरदरा कर लेते हैं, और इसे दरदरा करने में 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है। देखिए, धनिया के बीज दरदरे हो चुके हैं, इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। और इसी इमाम दस्ते में अब हम एक दो मसाले और कूटेंगे। तो उसके बाद से मैं ले रही हूँ सौंफ। सौंफ जो होती है वो हमारी सब्जी को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून सौंफ को लेकर इसको भी दरदरा कर लिया है। अब हम इसे भी धनिया के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसी इमाम दस्ते में अब मैं डाल रही हूँ लगभग 12 से 15 लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को छील लिया है और लहसुन को भी हम कूट लेंगे। लहसुन को आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं। वैसे जब कूट कर डालते हैं पत्थर के सिलबट्टे में तो सब्जी का स्वाद बहुत ही डिफरेंट आता है। तो इस तरीके से कूट कर जरूर आप डालिएगा। यहाँ पर सारे लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट लेते हैं पहले। और देखिए, लहसुन की कलियां जो है कूटने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं। फटाफट से हमारी लहसुन की कलियां कूटकर तैयार हो गई हैं। तो ये लहसुन की कलियों को अगर हम मेजरमेंट से देखें तो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन की कलियां हैं। अब इस लहसुन की कलियों को हम इसी मसाले के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम कुछ और मसाले भी मिक्स करेंगे। क्या क्या मसाले मैं डाल रही हूँ वन बाय वन मैं आपको क्वांटिटी के साथ बताती जाऊंगी। इसमें जो है हम सबसे पहले सूखे मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ गरम मसाले का पाउडर, जो कि 1 टीस्पून गया है। इसके अलावा हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर पिसा हुआ मैंने लिया है, जो कि 1 टीस्पून है लगभग। साथ ही धनिया का पाउडर है। धनिया का पाउडर मैंने लाल मिर्च पाउडर से ज्यादा लिया है, लगभग 1.5 टीस्पून आप ले सकते हैं। उसके अलावा हल्दी का पाउडर है 1/2 टीस्पून। सारे रेगुलर पिसे हुए मसाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई मसाला ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसके अलावा हम डाल रहे हैं यहाँ पर अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर नहीं हो तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। अब मसालों में मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी, लगभग 4 से 5 टेबल स्पून। मसालों को इस पानी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। मसाले जो है पानी में अच्छे से फूल कर सेट हो जाते हैं। तो जब आप सब्जी की तैयारी करें तो इन मसालों को पहले ही तैयार करके अलग रख लें। यहाँ पर जो है सारे मसालों को अच्छे से मिलाते हुए हम इसको एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। घोल हमारा कुछ इसी तरह का होना चाहिए, पतला सा। देखिए, मसाले का घोल बहुत बढ़िया से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके पास से एक मेन चीज जो इस मसाले में रह गई है वो है दोस्तों हरी धनिया की पत्तियां। तो एक मुट्ठी भर के हरी धनिया की पत्तियां ऐड करें। इसे हमारा मसाला जब भुनने के लिए जाएगा तो उसमें बहुत ही बढ़िया सा धनिया का फ्लेवर आएगा। अब इस मसाले के पेस्ट को मिलाकर रख लेते हैं। अभी मुझे मसाला थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। और इसके बाद से इस मसाले का हमने घोल रेडी कर लिया है, इसे हम साइड रखेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पत्ता गोभी के साथ मैं यहाँ पर एक बड़ा आलू भी ऐड कर रही हूँ। तो 400 ग्राम पत्ता गोभी में एक बड़ा आलू सफिशियंट है। आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू के नॉर्मल मीडियम साइज के पीसेस कर रही हूँ, जैसे हम लोग किसी सूखी सब्जी में डालते हैं वैसे ही पीसेस मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। आलू हमारे चॉप होकर रेडी हो चुके हैं, इसको वॉश कर लिया। इसके अलावा हमें 1/2 कप भर के हमारे मटर के दाने चाहिए होंगे। चलिए अब लगाते हैं अपनी सब्जी को बढ़िया सा तड़का। सब्जी में तड़का लगाने के लिए मैंने जो है 2 टेबल स्पून तेल को कढ़ाई में डालकर गर्म होने रखा है। तेल के गर्म होते ही 1 टी स्पून भर के जीरे का तड़का लगाएंगे। जीरा को अच्छे से तड़का लेते हैं। जीरे के तड़कते ही अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्रश करी हुई अदरक। तो 1 टेबल स्पून अदरक डाली है, साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज को लच्छों में काट लिया है, सिंपल स्लाइसेस में। प्याज को अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। प्याज को हम पहले गोल्डन कर लेते हैं। प्याज को हम चेक करेंगे 2 मिनट के बाद प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। देखिए, कुछ इस तरीके से प्याज को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो प्याज कुछ इस तरीके से की होनी चाहिए।
अब जो है टाइम है यहाँ पर आलू और मटर को ऐड करने का। दोनों आलू और मटर को मैंने एक साथ ऐड किया है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने गीले मसाले तो डाले ही नहीं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस सब्जी में मसालों में मैं थोड़े से बाद में डालूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मसाला काफी बढ़िया सा भुना हुआ टेस्ट देगा आपको। आलू और मटर को थोड़ा सा फ्राई करते हैं 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। देखिए आलू मटर भी अब थोड़े से श्रिंक हो गए हैं। जब इनको 2 मिनट हम हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, और इनको पहले फ्राई कर लेते हैं तो बाद में फ्राई करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर आलू मटर के साथ मैं ऐड कर रही हूँ अपना ये पहले से तैयार किया हुआ गीला वाला मसाला जो हमने तैयार किया था। अब इस मसाले को सब्जी में अच्छे से मिला लेते हैं, और ये मसाले बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से भून जाते हैं, क्योंकि इनको जिस तरह से हम ढककर अभी आगे फ्राई करेंगे वो जो है मसालों के लिए काफी बढ़िया सफिशियंट टाइम होगा। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी ढक्कन और फ्लेम को कर दूंगी सिम, और इसे हम ढकेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए मसाले कितने बढ़िया से तेल को जो है उज आउट कर रहे हैं, और मसाले बहुत अच्छे से भून जाते हैं। और मसालों की भूनते भूनते ही होता यह है कि आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार चला दिया है, वापस से ढक्कन लगाया है क्योंकि मसाले अभी हमारे गीले थे। तो वापस से 2 मिनट के बाद यानी कि कुल 5 मिनट के बाद मसाले हमारे अभी थोड़े थोड़े से भुने हुए दिख रहे हैं। इसको वापस से चलाते हैं, लेकिन साथ में हम डालते हैं अब टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि उससे जो है मसालों के भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट को बाद में डाला है। अब जब हमारे आलू मटर भून गए, मसाले भून गए, तो नमक डालकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद से मैंने वापस से ढक्कन को लगाया है, और इसे हम वापस से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, जिससे कि आलू हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही आप देख रहे हैं ना कि ऑयल कितना बढ़िया ओज आउट हो रहा है, सब्जी कितनी ज्यादा डिलीशियस अभी से दिख रही है। यहाँ पर वापस से चलाएंगे और कढ़ाई में ध्यान रखते रहेंगे कि कढ़ाई में मसाला हमारा लगने ना पाए। अब टाइम आ गया है जब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी अब जा रही है ना दोस्तों, ये डिफरेंट सी सब्जी, क्योंकि पत्ता गोभी जब हम डालते हैं, अगर हम पहले डालते थे आलूओं के साथ, तो पत्ता गोभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और एकदम सौगी सी हो जाती है। पत्ता गोभी हमेशा सब्जी में क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। तो जब भी आपको आलू के साथ पकाना हो तो आलू को पहले कुक कर लीजिए, उससे होगा ये कि पत्ता गोभी बहुत अच्छी सी क्रंची क्रंची सी रहेगी, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मसालों के साथ पत्ता गोभी को अच्छे से मिला लीजिए। मसालों के साथ मिलाने के बाद अब मैंने पत्ता गोभी को लगा दिया है ढक्कन, और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम सॉफ्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट में ही पत्ता गोभी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती है। इसको जो है बहुत ज्यादा देर ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि पत्ता गोभी यहाँ पर थोड़ी सी क्रंची ही रहेगी तो सब्जी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसके बाद से जो है सब्जी को अच्छे से चलाते हुए हम क्या करेंगे कि वापस से सब्जी को एक बार पकने के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं इसको कढ़ाई में इस तरीके से फैला लूंगी। पत्ता गोभी ने अपना जो है वाटर जो है रिलीज करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही ये 3-4 मिनट पकता है तो पत्ता गोभी का पानी जो है सूख जाता है, सब्जी का कलर भी चेंज हो जाता है। और आपको जब तक लगे तब तक आप सब्जी को थोड़ा सा और लास्ट में भून सकते हैं। इस सब्जी को जितना ही भूनेंगे उतना ही बढ़िया टेक्स्चर आएगा सब्जी का। सब्जी को जो है भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं। पत्ता गोभी के साथ आप इस सब्जी को 4 से 5 मिनट बाद में जरूर भूने अच्छे से पत्ता गोभी का पानी सूखने तक। जैसे ही सब्जी ड्राई हो जाती है उतना ही बढ़िया फ्लेवर देगी, जितनी ड्राई सब्जी होगी उतना ही मजा आता है खाने में। अब लास्ट में हम डालेंगे हरी धनिया की पत्तियां, और उसके बाद से इसको मिलाकर वापस से 30 से 40 सेकंड या फिर 1 मिनट और पका सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बनी हुई पत्ता गोभी की सब्जी आपको जरूर पसंद आएगी। ये सब्जी रोटी पराठे या फिर पूड़ियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।